नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड में आप सड़कों के किनारे की भूमि सीमेंटेड करने पर रोक लगने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, पिछले काफी समय से लोनीवी से लेकर नगरों और कस्बों तक सड़कों के किनारों को सीमेंटेड किया जा रहा था। बता दें, देहरादून की राजपुर रोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इस मार्ग के दोनों शोर पक्के कर दिए गए हैं। यही नहीं, यही हालत कई अन्य शहरों और कस्बों की सड़कों की भी है। लेकिन अब प्रदेश में सड़कों के किनारे की भूमि सीमेंटेड करने पर रोक लगेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रुद्रुणी ने लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास और आवास विभाग के अलावा अन्य विभागों को व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं, क्योंकि सरकार की योजना है कि सड़कों के किनारे कच्ची भूमि पर पौधे रोपे जाएं, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिल सके। बता दें, कई अन्य शहरों और कस्बों की नई सड़कों के निर्माण में किनारों को सीमेंटेड करने की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में समय समय पर जागरूक नागरिकों ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए शासन और प्रशासन से अनुरोध भी किया है, जिसके चलते मुख्य सचिव स्तर पर भी इस तरह के सुझाव पहुंचे कि सड़कों के किनारों को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए जहां पौधारोपण किया जा सके। जिसमें उनका मानना है कि जिस तरह से आवासीय और सड़कें बनाते वक्त खाली भूमि को सीमेंटेड करने का रिवाज बढ़ रहा है, उससे नई तरह के संकट खड़े हो रहे हैं। साथ ही सड़कों के किनारे पेड़ पौधे वनस्पतियां गायब हो रही हैं, तो वही भू जल स्तर में गिरावट आ रही है। तो वहीं इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रुद्रुणी ने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि वे सड़कों के किनारे की भूमि को सीमेंटेड नहीं करेंगे, बल्कि सड़क के किनारे की भूमि पर पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे भूमि जल स्रोत में वृद्धि हो सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।